बेहतर ये होता कि आज भी आरजेडी बड़ी पार्टी है तो उनको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो जनता के पास ये अवसर होता ये देख पाने का कि 3 वर्ष में उन्होंने कितना अच्छा काम किया, और उनके पास भी ये अवसर होता कि वो बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया प्रयास कर पाते, और फिर जनता उस आधार पर वोट भी करती। आप 5 वर्ष तक एक तरह से सामने खड़े हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और 25 में पिछले दरवाजे से नए वादे करके फिर घुसिएगा और बेचने का प्रयास कीजिएगा कि ये अब नए नेता हैं जो कि बिहार का सुधार करेंगे, वो शायद बिहार की जनता के साथ छल होगा। जैसे अभी यही तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं के नौकरी की बात कही थी, ये कहा था कि भाई पहले कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, उसका आदेश पारित किया जाएगा। उस चीज़ को नीतीश कुमार ने अपने सर पर ले लिया है, और आप देख रहे हैं कि किसी को नौकरी मिल नहीं रही है। जो TET पास करके बैठे हुए लोग हैं, शिक्षा विभाग में 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो आपको 9-9.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है, जो हम लोग का अपना अनुमान है। बिहार में शिक्षक करीब 4 लाख है। TET सीटेट करके बैठे हुए लोग लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे हैं। जब डाकबंगला चौराहे पर गए तो उन पर लाठी बरसाई गई। यही हाल सांख्यिकी वाले बच्चों की है, यही हाल ग्राम संविदा पर काम करने वाले लाखों अन्य लोगों की है। हर विभाग में संविदा पर लोग काम कर रहे हैं। पूरी बिहार सरकार जो है ये संविदा पर काम करने वाले टेम्परेरी लोगों के भरोसे है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सबको पेपर पर ही चलाया जा रहा है। जितने प्राथमिक विद्यालय थे उसको पेपर पर ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय बना दिया गया, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय बना दिया गया। तो पेपर पर हर जगह उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय सब हो गए, पेपर पर सारे शिक्षक आ गए, पेपर पर सारी व्यवस्था हो गई, जमीन पर बहुत कुछ है नहीं। एक अंतिम बात मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी शायद अपनी कोई यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं, और वो भी पश्चिम चंपारण से कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि चलिए वो तो पहले भी यात्रा करते रहे, लेकिन मेरा अनुमान भी है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि बिहार के पॉलिटिशियंस जो हैं वो चुनाव से अलग हटकर भी कम से कम जमीन पर उतरेंगे। हम लोग पैदल चल रहे हैं तो कुछ दबाव तो जरूर है, कोई पैदल चलेगा, कोई गाड़ी से चलेगा, कोई हेलीकॉप्टर से चलेगा, लेकिन कम से कम अपने ऑफिस से तो निकले, तो ये खुशी की बात है। मैं स्वागत करता हूँ कि नीतीश कुमार आ रहे हैं और वो पैदल ये कुछ अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, पैदल तो नहीं चलेंगे, गाड़ी या हेलीकॉप्टर से चलेंगे। जो पश्चिम चंपारण के ज्वलंत मुद्दे हैं, मेरा अनुमान है, मेरी आशा है कि नीतीश कुमार जी वहाँ भी जाएंगे। मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार जी नवलपुर बेतिया रोड पर जाएंगे, जहाँ पर 15 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उस रोड को बनाया जाए। मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार जी मशान नदी के कटाव से जो लोग पश्चिम चंपारण में परेशान है उस पर कुछ समीक्षा करेंगे, उस पर कोई निर्णय लेंगे। मेरा अनुमान है कि नौतन बैरिया के डिस्ट्रिक्ट में जो भारी कटान, बाढ़ और रोड के हालात हैं उस पर नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे। जिस वाल्मीकि नगर से वो हमेशा शुरुआत करते हैं यात्रा की, मेरा अनुमान है, मेरी आशा है कि वहाँ पर जो वन्य राज्य अधिनियम को लेकर बड़ी जनसंख्या आंदोलनरत है, लोगों को जमीन, अपनी मिट्टी, अपना बालू, अपनी लकड़ी से अधिकार लोगों का छीन लिया गया है, उस पर कुछ समाधान देंगे। इन सारी बातों का देखिए, वो आते हैं तो क्या करते हैं।